हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा IBPS PO प्री के कुछ रियल क्वेश्चंस, और ये 2017 के क्वेश्चंस हैं। और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आप SBI PO प्री में और SBI क्लर्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है बसंत सिंघल, और यदि ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पर आप उससे लाइव भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है मेरा रेफरल कोड बसंत सिंघल 2210, और इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट लेके अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये हैं रियल क्वेश्चंस और ये IBPS PO प्री के क्वेश्चंस हैं। तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेंटेंस दिया है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट को इसमें बोल्ड किया गया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पार्ट यदि आपको लगता है कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है, तो फिर इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है इन पार्ट से। तो ये रियल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं SBI PO में। तो यहाँ से हम देखते हैं, एन एम्पायर टॉपल्ड बाय इट्स एनिमी कैन राइज अगेन दो द वन। यहाँ पर ये वन जो आया है, ये एम्पायर के लिए ही आया है। ये वन एक्चुअली एक प्रोनाउन होता है, और इस वन के थ्रू हम किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एन एम्पायर टॉपल्ड बाय इट्स एनिमी कैन राइज अगेन दो द वन विच क्रम्बल्स फ्रॉम विद इन दैट इज डेड फॉर एवर। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि एक ऐसा एम्पायर जो टॉपल्ड है एनिमीज के द्वारा, जो एनिमीज के द्वारा गिरा दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है। टॉपल्ड का मतलब ऐसे लुढ़कना होता है, टॉपल। ठीक है, तो इसका सेंस यही निकल रहा है कि एक ऐसा एम्पायर जिसको एनिमीज के द्वारा डैमेज कर दिया गया है, वो फिर से राइज कर सकता है। लेकिन ऐसा एम्पायर, देखिए यहाँ पर एक शार्प कॉन्ट्रास्ट चाहिए आपको, शार्प कॉन्ट्रास्ट। और शार्प कॉन्ट्रास्ट हम लगाते हैं, शार्प कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दो द वन विच क्रम्बल्स फ्रॉम विद इन, मतलब जो अंदर से खोखला है, ऐसा एम्पायर जो अंदर से टूटा हुआ है, वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर हम बट लगाएंगे, क्रम्बल्स सही है और फ्रॉम विद इन भी सही है। तो बट द वन विच क्रम्बल्स फ्रॉम विद इन, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। क्रम्बल्स का मतलब होता है अंदर से टूटा हुआ, अंदर से टूट जाना। टॉपल्ड बाय एनिमीज मीन्स डैमेज्ड बाय एनिमी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपको एक ही वर्ड को चेंज करना था, बाकी सब सही है इसमें। लेकिन कभी कभी फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो या तीन एलिमेंट्स को आपको चेंज करना होता है, तो ये ऐसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को। चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए, एज द रिवर्स नाउ हैव बिकम साइट्स वेयर द सेक्रेट एंड द पॉल्यूटेड को एग्जिस्ट। हमारी जो नदियाँ हैं वो इस तरह की साइट्स बन गई हैं, इस तरह के प्लेसेस बन गए हैं जहाँ पर सेक्रेट और पॉल्यूटेड, ये दो एंटिटीज़ हैं, द लगा हुआ है इसमें, द सेक्रेट और द पॉल्यूटेड। तो ये दोनों ऐसी एंटिटी हैं जो दोनों एक साथ में वहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि नदियों को हम पवित्र मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूटेड एंटिटी वो बन चुकी हैं, एट द सेम टाइम वो सेक्रेट भी हैं। आर बिलीव्स फॉर द सेक्रेट, पवित्र चीज़ों के लिए हमारा जो बिलीफ है, नो लॉन्गर करेस्पॉन्ड टू आर इंट्यूशन अबाउट सेंक्टिटी। यहाँ पर देखिए, बिलीव्स दिया है, बिलीव्स एक कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पर ये जो वर्ब है सिंगुलर, ये नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे आर बिलीव्स अबाउट द सेक्रेट नो लॉन्गर करेस्पॉन्ड विद, क्योंकि बिलीव्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब करेस्पॉन्ड नहीं आएगी, करेस्पॉन्ड आएगा और उसके बाद फिर विद आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थर्ड। ये ग्रामेटिकल नॉलेज आपकी जो है वो इसमें चेक की जाती है, और सेंटेंसेस थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पर आप यदि रीडिंग करें
द हिंदू की, इकोनॉमिक टाइम्स की, तो हाईली यूजफुल ये आपके लिए रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द सेक्रेट टेम्पल हुज कंस्ट्रक्शन वॉज पोस्टपोन्ड आफ्टर द कोर्ट्स ऑब्जर्व द वॉलेटिलिटी इट कुड ब्रिंग इफ दे वर टू चूज अ डेफिनेट प्रपोजिशन। इसका मतलब ये है कि ये एक सेक्रेट टेम्पल था, एक पवित्र मंदिर था, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट को लगा था कि इसके बाद कुछ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने टेम्पल के साथ हुज लगाया है। देखिए बोलने में आप बोल सकते हैं टेम्पल के साथ हुज, लेकिन ग्रामेटिकली स्पीकिंग इसके साथ हुज नहीं आएगा। हुज एक्चुअली लिविंग बींग्स के साथ आता है, तो इसके साथ आप हुज नहीं लगा सकते। ये हुज गलत है, ये हुज गलत है, और विच का अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, ये भी गलत है। ऑफ विच आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफ विच कंस्ट्रक्शन वॉज पोस्टपोन्ड आफ्टर द, इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हैं, और सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन हिज लास्ट अटेम्प्ट द बॉय वर्क्ड हार्ड। देखिए वर्क्ड हार्ड क्या है, पास्ट टेंस है, और सो दैट जो एक ग्रामेटिकल यूनिट है, सो दैट ताकि ऐसा हो सके, ठीक है, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो सके। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम मे लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर हम विल ना लगाते हुए यहाँ पर हम माइट लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर होगा सो दैट ही माइट क्वालिफाई। माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, माइट हैव हम नहीं लगाएंगे, ये वुड हैव नहीं लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सो दैट ही माइट क्वालिफाई। तो फोर्थ इसमें आपका, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। ये आप रियल क्वेश्चंस देख रहे हैं IBPS PO प्री के, तो क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतने टफ नहीं है कि उनको किया नहीं जा सकता। देखिए ये हैं सेंटेंस, ये हैं आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस। इसमें एक सेंटेंस दिया है जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये फिक्स है, बाकी के पार्ट को आपको रीअरेंज करना है, और उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फिर आपका आंसर बनेगा। तो इट इज़ इंडीड इसमें दिया है, इट इज़ इंडीड, ये वास्तव में है, इंडीड मतलब वास्तव में है। तो इसके बाद आपको एक नाउन चाहिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट इज़ इंडीड अ हरक्यूलन टास्क, यानी इसमें ए सबसे पहले आप लगा सकते हैं, इट इज़ इंडीड, नहीं ये ए है, ये बी है एक्चुअली, आ हरक्यूलियन टास्क टू सम, ये बी है, तो इसमें बी आ जाएगा पहले, आ हरक्यूलियन टास्क टू सम अप, आप सम अप वॉट, सम अप के बाद आप लगा सकते हैं ये द सर्कमस्टेंसेस रीजन्स एंड कॉजेज, यानी ए लगा सकते हैं, ऐसे इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमा लगा लगा के इसका मतलब ये एंटिटीज़ हैं, और इसके बाद आप जोड़ सकते हैं द सर्कमस्टेंसेज रीजन कॉजेज गुडली फेवर्स एंड अदर फैक्ट्स, इसके बाद आप लगा सकते हैं डी, और अदर फैक्ट्स के साथ आप लगा सकते हैं विच मेड द ट्रेडर्स द डिस्पोटिक रूलर्स, इसके बाद आप लगा सकते हैं सी। तो बी ए डी सी इसका एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, बी ए डी सी, यानी फोर्थ इसमें आपका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं पैराजंबल के क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन फॉर ए गर्ल चाइल्ड, ये एक पूरा सब्जेक्ट हुआ, एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन चूंकि सिंगुलर है इसलिए ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब इसमें जो है वो ये है मीन्स, एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड मीन्स मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड एंड फुल ऑफ वर्च्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी को लेंगे, सबसे पहले हम एजुकेशन फॉर ए गर्ल चाइल्ड मीन्स मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, नहीं सबसे पहले हम सी को लेंगे, मीन्स मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन वेल एजुकेटेड फुल ऑफ वर्च्यू, उसके बाद हम डी को लेंगे फुल ऑफ वर्च्यूज, और उसके बाद हम बोल सकते हैं केपेबल टू डू समथिंग गुड, इसके बाद हम बी बोल सकते हैं, और उसके बाद हम ए बोल सकते हैं, सी डी बी ए, सी डी बी ए, देखिए सेकेंड इसमें आंसर है। तो कर सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब्राहम लिंकन का एक क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन आया है, अब्राहम लिंकन के बाद हम लगाएंगे, अब्राहम लिंकन सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब इसमें ये है फेल्ड मेनी टाइम्स इन हिज लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सी को,
फेल्ड मैनी टाइम इन इज लाइफ। अब इसके बाद ये एंड वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि एंड के साथ इसमें हम बोल रहे हैं एंड फॉट विद मोर डिटर्मिनेशन। जब वो फेल हो गया तो यहाँ पर फिर बट आना चाहिए, बट फॉट विद मोर डिटर्मिनेशन, इसलिए ये वाला सेंटेंस नहीं जुड़ेगा, इसमें ये जोड़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन फेल्ड मैनी टाइम इन इज लाइफ बट नेवर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यानी ए, एंड फॉट विद मोर डिटर्मिनेशन यानी डी, एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी बी। तो सी ए डी बी ये इसका आंसर होगा। आपको सेंटेंस का एक सीक्वेंस आपको देखना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, द फ्लैश ऑफ, फ्लैश होता है कोई चीज स्ट्राइक करती है, एक चमक एकदम से कोई चीज दिमाग में आती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश। तो फ्लैश एक्चुअली नए आइडिया का भी होता हो सकता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं द फ्लैश ऑफ न्यू आइडिया स्ट्राइक्स टू दोज हु हैव वर्कड हार्ड, यानी इसमें हम ले लेंगे बी, वर्क हार्ड एंड गिविन फुल थॉट टू प्रॉब्लम, डी बी ए सी इसमें बनेगा। तो इस तरीके से आपको फास्ट थोड़ा सा चलना पड़ेगा, डी बी ए सी ये इसका आंसर है, फास्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज सपोज टू बी, हाँ ये एरर के क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट में एरर बतानी है आपको। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज सपोज टू बी, ए बी होना चाहिए यहाँ पर, अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली इट एक्ट्स, यहाँ पर होगा एक्ट्स विच मेजर्स मेल न्यूट्रिशन रादर देन के बाद यहाँ पर जेरेंट फॉर्म आएगा। तो इसमें आपका कौन सा पार्ट गलत है, इसमें एक तो सी है और एक डी है, एक ये वाला पार्ट गलत है, ये जो पार्ट है ये किस में आता है, ये सी में आता है, और ये वाला पार्ट किस में आता है, डी में आता है, सी डी इसमें गलत है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, दैट इज सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीदर ऑफ देम वर आ गया इसमें, नीदर के बाद हम सिंगुलर लेते हैं, तो एक तो ये गलत है इसमें, ठीक है, तो एक तो आपका ये ए पार्ट गलत हो गया, और एक आपका यहाँ पर एबल टू कंपनसेट बाय के बाद हम असिस्टिंग लगाएंगे यहाँ पर, तो ए और सी गलत हो गया इसमें, इसका आंसर होगा फोर्थ, ए एंड सी। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी इस समय पूछे जा रहे हैं। तो इसमें वर्ड यूसेस होते हैं कि टैसिटली जो है किस सेंटेंस में गलत तरीके से इसका यूज हुआ है। टैसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, जिसको कहा नहीं गया है। तो मीडिया कंपनी में ऑपरेट टैसिट और एक्सप्लिसिट कॉलूजन, ये सही है। ही वॉज ए क्वाइट ऑलमोस्ट टैसिटर्न यंग मैन, टैसिटर्न जो मतलब जो कम बोलता है, ये सही है। थोड़ा सा आपको तेजी से करना होता है बैंकिंग के क्वेश्चंस को। योर साइलेंस इम्प्लाइज टैसिटनेस, कंसेंट के साथ टैसिट आएगा क्योंकि कंसेंट एक नाउन है, तो एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर, टैसिट एक एडजेक्टिव है, नेस एक नाउन है, तो ये गलत है इसमें, यानी इसमें आपका आंसर हो गया थर्ड। इट वॉज टैसिटली अज्यूम्ड, अज्यूम वर्ब है और इसके पहले एडवर्ब आया है, तो ये इसमें सही है। सेकेंड का मतलब समय का सेकेंड भी होता है, सेकेंड का मतलब किसी को अप्रूव करना भी होता है। इन वॉर देयर इज नो सेकेंड प्राइज, ये सही है। इफ़ यू कन्विंस मी विथ योर आर्ग्यूमेंट आई विल सेकेंड यू, मतलब आई विल इनकरेज यू, प्रमोट यू या अप्रूव यू, ये सही है। आई सेकेंडली द मोशन, आई सेकेंडेड द मोशन, ऐसे होना चाहिए, आई सेकेंडेड द मोशन, ठीक है। थर्ड इसमें गलत है, थर्ड इसमें आंसर होगा आपका द प्राइम मिनिस्टर सेकेंडेड द कॉल, ये सही है, ये सही है इसमें। टेनेसिटी का मतलब होता है परसिवियरेंस, हिज थ्योरी इज नो लॉन्गर टेनेबल, का मतलब होता है जस्टिफाइड, तो ये टेनेबल का प्रयोग के हिसाब से ये सही है। टैलेंट हार्डवर्क एंड शेयर टेनेसिटी, टेनेसिटी का परसिवियरेंस होता है, ये सही है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द डिसीजन टू एक्ट द रेस्ट इज मेयरली टेनेसिटी, ये सही है। लॉन्ग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव इन टेनेसिटी, ये भी सही है। इसमें सारे सेंटेंस सही हैं यदि, लेकिन इसका प्रयोग गलत है, टेनेबल के हिसाब से ये सही है लेकिन टेनेसिटी के सेंस में ये गलत है। तो अब इसमें तो आंसर हम फर्स्ट ही मानेंगे, लेकिन टेनेबिल के हिसाब से ये सही है क्योंकि टेनेबिल का मतलब होता है जस्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्यूड का मतलब क्या है, चकमा देना किसी को। ही ट्राइड टू इल्यूड द सिक्योरिटी, सही है। द स्टडी विल इल्यूड, स्टडी विल इल्यूड गलत है, द स्टडी विल फोकस बोल सकते हैं यहाँ पर, इल्यूड का प्रयोग गलत है इसमें, सेकेंड इसमें आंसर होगा। द मर्डरर मैनेज टू इल्यूड, सही है। स्लीप स्टिल इल्यूड हिम, सही है।
सेकंड इसमें सही आंसर होगा आपका। स्प्रेड मतलब फैलाना, आई स्प्रेड अ टॉवल सही है। रेन ओवर नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड विल स्प्रेड सही है। डिससेटिस्फेक्शन विद दिस पॉलिसीज इज स्प्रेडिंग सही है। द मेल एंटलर कैन अटेन ए स्प्रेड ऑफ 6 फीट, मतलब मेल एंटलर जो है एक एनिमल है, एक इंसेक्ट है, ये 6 फीट तक फैल सकता है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, सारे करेक्ट हैं इसमें। रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना, ही थैंक देम फॉर देयर रिटेलिएशन। देखिए हम किसी को, कोई हमसे कोई बदला लेता है तो हम उसको थैंक नहीं करेंगे, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, यानी फर्स्ट ही इसमें आंसर होगा, बाकी में रिटेलिएशन का प्रयोग इसमें सही है। रिटेलिएशन, द बॉम्बिंग वॉज इन रिटेलिएशन फॉर, इन रिटेलिएशन फॉर, ये सही है, फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा। प्रवोक, ही माइट बी प्रवोक्ड, ये सही है। ए प्लान गोल्फ कोर्स हैज प्रवोक्ड एंगर, ये सही है। यू कुड एक्सरसाइज टू प्रवोक द अमाउंट ऑफ फैट, नहीं ये गलत है, यही इसमें आंसर है, थर्ड इसमें आंसर है। द डिसीजन प्रवोक्ड द स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये सही है, इसमें आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक है। प्रवोक का मतलब होता है भड़काना, किसी चीज को उकसाना या भड़काना। तो इस तरीके से ये IBPS PO प्री के कुछ रियल क्वेश्चंस लिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, unacademy.com पर जाकर बसंत सिंघल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये है मेरा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस रेफरल को यूज़ करें, और फ्री लाइव क्लासेज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।